नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बात करेंगे अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर, पंजशीर घाटी को लेकर। अगर बात अफगानिस्तान को लेकर करें तो लगातार अफगानिस्तान में माहौल जो है वो तनावपूर्ण बना हुआ है और पंजशीर घाटी जो है वो तालिबानियों की पहुंच से अभी भी कहीं दूर है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात तालिबानियों को लेकर करें तो तालिबानियों के लड़ाकों का लगातार ये कहना है कि पंजशीर घाटी पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। और वहीं दूसरी ओर हर रोज़ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर रोज़ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस के जो लड़ाके हैं वो और तालिबानी लगातार आमने सामने आ रही हैं। उन सभी लोगों के बीच मुठभेड़ बार बार हो रही है। तालिबानी मुठभेड़ इसलिए कर रही हैं कि एक बार फिर से, या यूं कहें कि अपना कब्जा पूर्ण रूप से अफगानिस्तान पर वो कर सके, क्योंकि पंजशीर अभी भी तालिबान की पहुंच से बेहद दूर है और नॉर्दर्न अलायंस लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। जब भी तालिबानी वहां पहुंच रहे हैं तो नॉर्दर्न अलायंस की ओर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है और मुंहतोड़ जवाब तालिबानियों को दिया जा रहा है। ताजा मामला कल का है, जहां पर आपको बता दें कि ये दावा किया जा रहा है नॉर्दर्न अलायंस की ओर से कि करीब करीब 400 जो तालिबानी हैं, तालिबानी लड़ाके हैं, उनको मार गिराया गया है कल की मुठभेड़ में। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 40 लड़ाकों को बंधक भी बनाया गया है। अब बात उलट करें तालिबान को लेकर तो तालिबानियों का ये कहना है कि भाई साहब की हमने पंजशीर घाटी पर कब्जा कर लिया है, पंजशीर घाटी हमारे कब्जे में है। लेकिन हकीकत कुछ और है, क्योंकि लगातार तालिबानी जो हैं, तालिबान के जो बड़े नेता हैं, वो एक झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और इस प्रोपेगेंडा को फैलाने के पीछे का मकसद केवल और केवल इतना है कि लोगों में दहशत फैल सके, जो कुछ एक आवाज़ें उठ रही हैं उन आवाज़ों को भी दबाया जा सके, कुचला जा सके उन लोगों को भी। क्योंकि जो आवाज़ें इक्की दुक्की उठ रही हैं उन लोगों को भी लगेगा कि अब पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में जा चुका है। इस वजह से झूठा प्रोपेगेंडा यहाँ पर फैलाया जा रहा है तालिबानियों की ओर से, और यहाँ पर कवर फायर तालिबानियों को कौन दे रहा है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। वैसे मैं आपको बता दें कि तालिबानियों को कवर फायर पाकिस्तान की ओर से मिल रहा है, पाकिस्तानी लगातार यहाँ पर तालिबानियों को सपोर्ट कर रही हैं और इस वजह से तालिबानी जो है वो नई नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं। और दूसरी ओर सबसे अहम मुद्दा इस वक्त पंजशीर का है, पंजशीर को लेकर लगातार सियासी हलचले तालिबान में देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आपको बात करें अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति को लेकर, अमरुल्लाह सालेह को लेकर, अमरुल्लाह सालेह एक ऐसा नाम जो कि लगातार चर्चा में बना हुआ है जब से तालिबान अफगानिस्तान पहुंचे हैं। लगातार ये कहा गया कि अमरुल्लाह सालेह देश छोड़कर भाग गए, अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए, अपने साथ ढेर सारा पैसा लेकर उन्होंने देश को बाय बाय टाटा कह दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, अमरुल्लाह सालेह की ओर से एक बयान भी जारी किया गया, एक वीडियो भी साझा किया गया, इसमें साफ तौर पर कहा गया कि वो अपने देश में ही मौजूद हैं, अपने देश के लोगों के साथ ही मौजूद हैं। Today is Friday, September 3, 2021. It's 9:15 local time. I am in the Panjshir Valley. The reports concerning my escape from Afghanistan are totally baseless. I am here. We have had several meetings regarding the situation. No doubt, the situation is difficult. We have been under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies, terrorist groups from the region and beyond. As usual, backed by the Pakistanis, we have held the ground, we have resisted. The resistance is not going to surrender, it's not going to bow to terrorism, and it's going to continue. There are difficulties, but I have not fled, I have not escaped. So I want to assure you through this video that everything said to this moment, that I have been injured or I have fled or baseless, fake news. साथ ही साथ अमरुल्लाह सालेह ने इस बात को स्वीकार भी किया कि जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी विपरीत है, लेकिन ये समय है एक साथ रहने का और आगे चलकर हम कुछ रास्ता जो है वो निकालेंगे। खैर, अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के जो नेता हैं, जो नेता थे, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे, वो क्या कुछ रास्ता निकालते हैं, किस तरीके से तालिबानियों के कब्जे से वो निकलकर बाहर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो पंजशीर घाटी पर लड़ाई लगातार चल रही है वो लगातार जारी है और नॉर्दर्न अलायंस ने मोर्चा पंजशीर घाटी पर संभाल के रखा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही, तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।